अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है ना, जो हम डेली व्लॉग्स बनाते हैं, जो हम रूटीन व्लॉग्स बनाते हैं, उनसे थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि आज व्लॉग में हम लोग कहीं इफ्तारी कराने नहीं जा रहे। आज के व्लॉग में हम लोग क्या करेंगे, जो आसपास जितनी इफ्तारियां होती है वो आप लोग दिखाएंगे कि वो कैसी होती हैं, कितना रश होता है, उनके पास क्या क्या मिलता है। जैसे हम इफ्तारी में कभी शरबत, कभी चने का पुलाव, कभी मसूर का पुलाव, कभी दाल चावल, कभी कुछ, कभी हज़ार लोगों की इफ्तारी, तो हमारा प्लान ऐसे चलता रहता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो रोड पे लोगों के इफ्तारी करा रहे होते हैं, चलते चलते इफ्तारी करा रहे होते हैं। तो आज हमारी इफ्तारी गाड़ी में रोड पर ही होगी आप लोगों की, और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आ जाएं। पहुंचे और सिग्नल बंद हुआ, और आप लोगों को पता है ना, इफ्तारी के असर की नमाज के फौरन बाद बहुत ट्रैफिक बढ़ जाता है। पहली इफ्तारी हमें यहाँ पर दिख गई, लेकिन हमें कहीं और जाना है, पहले वहां से होकर आते हैं हर जगह। भाई अभी हम लोग मेन तारिक रोड पे गुजर रहे हैं, और यहाँ पर जो मार्केट्स में रश है भाई, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते रहेंगे यहाँ पर और रश बढ़ जाएगा। अभी तो बहुत, मतलब इफ्तारी के वक्त तो बहुत कम हो गया, वरना थोड़ी देर पहले अगर आप यहाँ से गुजरते तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। हम लोग रॉन्ग वे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें कितनी बड़ी इफ्तारी का इतमाम हो रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ी इफ्तारी का इतमाम हो रहा है भाई, माशाल्लाह इतनी यहाँ पर बड़ी इफ्तारी हो रही है। मुझे तो लग रहा है आज पूरा दिन हमें यहीं लग जाएगा, हम कहीं और जा ही नहीं सकेंगे। मतलब माशाल्लाह बेहतरीन इफ्तारी हो रही है। फिलहाल पानी बॉटल्स पड़ी हुई है, उधर रूह अफजा पड़ा हुआ है, सही रूह अफजा बन रहा है, ठीक है। बाकी थाल पड़े हैं, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सिस्टम होगा इधर। और पाकुला की बॉटल्स आ गई, सही है। और उस तरफ देखते हैं कितनी देख जाएंगे, एक दो तीन नौ उधर हो गई, दो तीन जर्दा भी है भाई। मतलब क्या है देखो, मैं पता नहीं, अभी देख खुलेंगे तो पता चलेगा क्या है। बिल्कुल उसी तरह घुमा रहे हैं जिस तरीके से हम लोग घुमाते ना बना के, बस में बर्फ की कमी, मेरे ख्याल से बर्फ आएगी अभी। इतनी खासी बड़ी इफ्तारी आप देखें कहाँ तक रोड पे लगाई हुई है, अभी और भी इस तरफ लग रहे थे। पाकुला आ गई है, और इधर फ्रूट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग फ्रूट्स कितने बनाने हैं। देख लें आज का व्लॉग ना हमारा इफ्तारी करना इधर ही होगा, मतलब समझ लें आज हम इधर ही रोज़ा खोलेंगे, सही है। तो अभी यहाँ पर सारी तैयारियाँ आप लोग दिखा दें, 2000 लोगों की इफ्तारी की तैयारी कैसे होती है। आपके भाई ने भी ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी है इतफाकन, इनके वॉलेंटियर्स की भी ऑरेंज कलर की शर्ट है, बिल्कुल सेम ही लग रहा है। तो एक थाल में दो पाकुला और दो पानी की बॉटल्स रख रहे हैं लोग, बड़े जो हैं बोरियाँ, इसके अंदर क्या है, ग्लास और जग्स हैं, माशाल्लाह बेहतरीन। जल्दी जल्दी देगे उतर रही हैं, देख रहे हैं आप लोग, देखते हैं देगो में है क्या। जर्दा है और गुलाब जामुन वाला जर्दा है, सही है। ये देखें ये जर्दा, ऊपर चांदनी का वर भी है, देख रहे हैं बादाम पिस्ते सब कुछ है भाई इसके अंदर। देगे तो बहुत तादाद में, अभी इतनी उतर गई, एक और सुजुकी पीछे आ गई है भाई, जबरदस्त एक और देगा गई। माशाल्लाह माशाल्लाह आज मौसम इतना ठंडा हो रहा है, ऊपर से यहाँ पर इफ्तारी बेहतरीन, माशाल्लाह जबरदस्त। पाकुला खत्म हो गई, एक और ट्रक आ गया पाकुला का, और पाकुला आ गई, देख रहे हैं आप लोग। ये 10 देखिए जर्दे की हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी ये कितनी बिरयानी या जो भी है क्या पता नहीं, देखते हैं। ये मुझे बीफ बिरयानी लग रही है, देखें बीफ बिरयानी लग रही है मुझे। ठीक हो कर रहे हैं टाटा बाय बाय, सही है, क्योंकि ये इधर दस्तर लगने की जगह और ये गाड़ी लगी हुई है। 35 देखिए बीफ की थी, सही है बिरयानी की, और बाकी मेरे ख्याल से 15 चिकन की बिरयानी की, और भी देखिए उतर रही है अभी। और यार लोगों की इफ्तारी मैनेज करना, बल्कि 2000 से भी 2500 लोग भी हो जाते हैं, इफ्तारी मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पर 250-300 लोगों की इफ्तारी मैनेज करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, 2000 लोगों की बहुत मुश्किल काम है भाई इफ्तारी मैनेज करना। यार ये कहाँ जा रही हो भाई, बगैर ड्राइवर की आज गाड़ी चल रही है, देखें इधर भी बर्फ आ गई, देख रहे हैं फुल ठंडी ठंडी बर्फ आ गई, अभी शरबत के अंदर जा रही है, इससे काम चल रहा है भाई, अब तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल, एंड के 15 मिनट रहते ना, वो काम चल रहा है भाई। ये रौनक है कराची की, आप लोग हर कोने पे जाएं आप लोगों को अच्छी खासी इफ्तारी मिल जाती है। इधर इफ्तारी हो रही है, उधर कोने पे भी इफ्तारी हो रही है, उस रोड पे भी कोई ना कोई इफ्तारी करा ही रहा होगा। जबरदस्त जबरदस्त, क्या खुशबू आ रही है बेहतरीन भाई, जबरदस्त। ये देखना आप लोग, बंदा घुमा रहा है ना, क्या कलर आ रहा है, पता चल रहा है नेक्स्ट लेवल की बिरयानी है भाई। इससे काम स्टार्ट हो गया, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 10 मिनट बाकी इफ्तारी में, और हाल में आता जा रहा है, जाता जा रहा है। ये देखें स्पीड चेक करें बंदे की भाई, ओहो बेहतरीन, क्या निकाल रहा है, दो चम्मच में थाल को फुल कर देता है, तीन चम्मच ऊपर वाइट चम्मच, इनसे थाल लगते जा रहे हैं, जैसे हम सेटिंग करते हैं बिल्कुल वैसी सेटिंग हो रही है, और आ रही है भाई बिरयानी। सिक्योरिटी भी बेहतरीन कर दी है, क्योंकि कोई लोग घुस जाते ना तो पुलिस वाले भी खड़े होकर बेहतरीन सिक्योरिटी कर रहे हैं यहाँ पर। खजूरे भी आ गई भाई, खजूरे रखते जा रहे हैं, देख रहे हैं प्लेट के अंदर, प्लेट या थाल के अंदर खजूरे रखते जा रहे हैं, और बिरयानी अभी लग गई है पर और भी आ रही है। अपना काम कर लिया, बर्फ वाले भाई जा रहे हैं, बाकी बर्फ इधर सारी आ चुकी है, इधर भी आ चुकी है, पानी में भी बर्फ डल गई है, बाकी पूरे जग भर रहे हैं। इफ्तारी के वक्त ना ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं, पता नहीं होती है नहीं होती, अगर ये ऑन हुई तो बहुत माशाल्लाह प्यारी लगी। लोगों को बिठा दिया, सही है, सबको लोगों को बिठा दिया। यहाँ पर देखें ये सब अब जा रहा है इधर, ये देखें पानी भी जा रहा है, बिरयानी भी आ रही है, रूह अफ़ज़ा भी जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है भाई एक साथ, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ये देखें जग भरते जा रहे हैं, चलो बनाना देख रहे हैं, बनाना कितने सारे हैं, फिर ये बॉटल्स अपना पानी और रूह पाकुला की बॉटल्स, उधर रूह अफ़ज़ा चल रहा है, इधर तकरीबन आवाम बैठ गई है, पीछे भी फुल हो रही है, आगे भी फुल हो रही है, जगह खाली छोड़ी नहीं है, ऊपर जगह मिली इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया, बहुत ज़्यादा आवाम आएगी, अभी सब
पूरा भर जाएगा तो मैं आप लोगों को यहाँ से वहाँ तक का दिखाऊंगा पूरा। आपको बोला ना ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह। ये सारी आवाम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है यार। मस्जिद के अंदर तो करना आसान होता है, मस्जिद में लोग आते हैं एक जगह बैठ जाते हैं, रोड पे क्या होता है लोग चलते फिरते भी जा रहे हैं। भाई इस ट्रक में ना कुछ और आया है, दूसरा ये देखें जर्दा आ गया, बिरयानी आ गई, बिरयानी में देखें समोसे भी आ गए, खजूर भी आ गई, बेहतरीन। फोर्ड की कौन सी गाड़ी है और ये पीछे पूरी लोडेड है, एक और भी फोर्ड की गाड़ी आ गई और एक वो आ गई अपना हाइलक्स रेवो, अभी फुल भरा हुआ है, सही है, और इसके अंदर भी सामान फुल है, इसका डाला भी भरा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ और इसके अंदर सामान दिखाता हूँ, इधर से भी बांट रहे हैं और इधर भी दे रहे हैं, इधर भी सामान फुल हुआ है, याद होगा हमने रेवो से बॉक्सेस बांटे थे उसी तरह ये लोग भी बांट रहे हैं। भाई देखें इनके पास भी तीन डाले और तीनों डालों से बांट रहे हैं, मैं समझा देख अभी खाली हुई फिर दूसरी आ जाती, फिर खाली होती फिर दूसरी आ जाती, देख खत्म ही नहीं हो रही मार्केट में बेहतरीन। और ये जो निकालने का बंदे का स्टाइल है फुल बिरयानी वाला ये। बॉक्सेस जो हैं इनके अंदर पता नहीं क्या है, इनके अंदर देखते हैं क्या है, मुझे ख्याल से तो कोई इफ्तारी बॉक्स लग रहे हैं मुझे, कैसे हो जाता है। जब भी हमने भी ना अपनी रेवो रोक कर नहीं दिया था, रोक कर देते हैं तो आवाम चल जाती है, हम चलते चलते देते हैं वो सही है, ये आ गया सही है। और अब देखें समोसे ये इस तरीके से निकाल के रखा, आइटम में दो हैं, एक तो बीफ बिरयानी और एक स्पेशल चांदी का जर्दा, सही है, और जर्दे के ऊपर ना चांदी की वर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, चांदी का वर दिख रहा है आपको जर्दे में, अभी आपको मैंने पूरा 360 व्यू दिखा दिया कि कितना रश लगा हुआ है, यहाँ 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 काम चले जा रहा है, पर निकल रहा है जंदा जर्दा, और वो देखें चांदी का वर है जर्दे में, बिरयानी बड़ी बेहतरीन लग रही है देखने में, देख रहे आप लोग बड़ी बेहतरीन, क्योंकि वही कह रहे हैं डाला चलाते चलाते बांट रहे हैं, देख रहे आप लोग डाला चलाते चलाते बांट रहे हैं उसमें सही रहता है। बिरयानी मैं आप लोग दिखाता हूँ कहाँ जा रही है, दस्तर पे जा रही है, ओहो बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पर तो भागना ही पड़ रहा है, बिरयानी लग गई है सही है, अभी इधर आएगी बिरयानी, आ रही आ रही है, ला रश चेक करें, और इतनी बड़ी आवाम को भी बिरयानी देनी है, ओहो हो बहुत मुश्किल है भाई, ये देखिए बनाना आ रहे हैं सही है, बनाना वहाँ से आ रहे हैं, अभी बिरयानी पीछे पकड़ के बंदा खड़ा हुआ है, बिरयानी भी अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देख रहे हैं आप लोग बिरयानी भी चली गई, अरे ना पाँच छः लोगों को एक लाइन दे दी है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, छः या दस लोगों को मेरे ख्याल से एक लाइन दे दी है, जो पाँच लोग उसमें बनाना रख रहे हैं, पाँच लोग बिरयानी रख रहे हैं, ते भागते हैं, सायरन बज गया, शायद अजान हो गई, क्या हुआ क्या, अभी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सायरन बज गया, अभी हम जाके रोजा खोलते हैं, स्पीड से जा रहा है भाई सामान, स्पीड से जा रहा है भाई, जा रहा है वहाँ से गायब हो गया, एक मिनट में उधर चक्कर लगा गया, इधर से गायब भी हो गया भाई, सब कुछ खाली हो गया, खाली खोलते हैं रोजा खोल लिया, अब जरा पानी वानी पीते हैं क्योंकि बहुत रश है यहाँ पर आज, लेडीज का है वहाँ बच्चों का है, आगे ना जेंट्स का है, वो देखें वहाँ जेंट्स का है, बिरयानी जा रही है, बिरयानी जा ही रही है भाई, रुकी नहीं रही, मतलब थाल माशाल्लाह खत्म ही नहीं हो रहा, बेहतरीन काम है यार। कौन सी बीफ बिरयानी खा रहे हो, कैसी है, चिकन बिरयानी खा रहे हो, अच्छा कैसी है, बहुत जबरदस्त, इंशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, बड़ा बेहतरीन, मैं आप लोग पूरा व्यू दिखाता हूँ वहाँ से, देखिए भाई ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से आवाम स्टार्ट हो रही है, सही है, चलती जा रही है, वो एंड है जहाँ लेडीज बैठी हैं और उस तरफ भी बच्चे बैठे हैं, ये आवाम खा रही है खाना, सही है, यहाँ पर भी खा रही है, यहाँ पर भी, मतलब हर जगह देखे सब खा ही रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, सबके स्टार्ट हो चुका है इफ्तार, चेक करते हैं ये इफ्तार बॉक्स में क्या है, हमने जो बांटा था वो तो आप लोग ने देखा था उसमें क्या क्या था, इसमें चेक करते हैं क्या क्या है, अच्छा भाई इसमें है ये अरेबियन पफ, ये रोटी सही है, और ये दो कबाब, और ये चीकू और खजूर, ये भी माशाल्लाह अच्छा है इफ्तार बॉक्स, आप लोग दिखाने के चक्कर में सब पानी और खजूर से हमने रोजा खोला है, माशाल्लाह बेहतरीन, यहाँ पर सब कर रहे हैं इफ्तारी, अभी हम भी करते हैं थोड़ी देर में, नहीं आ रहा और पानी आ रहा है, खत्म हो रहा है सामान आता जा रहा है, वर्कर्स की सही मेहनत है, मतलब देखें आप लोग लोगों को अभी भी इफ्तारी दे रहे हैं, तो खुद ने भी कहते हैं मतलब पानी पिया होगा हमारी तरह, बस बिरयानी भर है भाई, तेज तेज बिरयानी, जबरदस्त जबरदस्त, और वहाँ पर चल रहा है भाई जर्दा, सही है चांदनी के भर वाला, जगह मेरी पीछे फैमिलीज बैठ रही है उनको भी इधर इफ्तार लगा दिया, वहाँ पर भी दे दिया, उधर सुजुकी में भी लोग इफ्तार कर रहे हैं, सामने रोड पे भी जहाँ जगह मिली है वहाँ भाई इफ्तार दे रहे हैं, देखिए ये 2000 या 2500 लोगों की इफ्तारी मुझे लग रही है, लेकिन अब कम से कम ये 3000 लोगों की इफ्तारी है, यहाँ पर वहाँ पर मतलब हर जगह इफ्तारी चल रही है ना, कम से कम 3000 लोगों की इफ्तारी है, बिरयानी भी है, चिकन बिरयानी भी है, और चांदी के भर का वो भी है अपना क्या बोलते हैं जर्दा, इधर तो सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो गई, लोग उठ के जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं, दूसरी शिफ्ट लग रही है, कि भाई ये खाली देगे पड़ी हुई है, और भी उधर भी खाली देगे पड़ी हुई है, ये देखें और आगे खाली देगे, तो इस लाइट का मजा ना वो रात में आता है, जब रात में ये लाइट जली होती है, देखें माशाल्लाह कैसी प्यारी लग रही है, हम इतना तेज कर रहे हैं ये लोग कि मतलब फौरन पता भी नहीं चल रहा है, मैं देख रहा हूँ एक बिरयानी देख इधर आई और खत्म होकर चली भी गई, पता भी नहीं चलता, फिर दूसरी आ जाती है, और यहाँ पर इतनी तेजी में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक बंदा एक ऐसे चेन बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा काम किया, एंट्रेंस यहाँ से रखी थी, अब एग्जिट देखें लोग वहाँ से जा रहे हैं डायरेक्ट निकल रहे हैं।
वीकेंड उन्होंने पोर्शन कर दिया, ये जेंट्स का वो लेडीज का, लेडीज वहाँ से एग्जिट हो रही है, जेंट्स यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। बस 20 मिनट हो गए फिर भी अभी खाना चल रहा है क्योंकि लोग आ रहे होंगे खा रहे हैं। भाई ये चल रही है चिकन, देखिए देखना आप लोग ये चिकन की देख आ रही है क्या खुशबू आ रही है। और ये आ गया भाई चांदनी भर का जर्दा, बेहतरीन यार जबरदस्त काम कर रहे हैं कि बचावा जाया नहीं हो रहा, बचावा भी ले रहे हैं वापस। पर और आ गया है जरा, अब हम भी ट्राई करते हैं बैठकर। ये आ गई बीफ बिरयानी, सही है क्या बोटी है जबरदस्त, इसका बाइट बनाते हैं, सही है इसका बाइट बनाते हैं। और ये मजे की बेहतरीन, इधर भी चर्बी वाली बोटी मिल गई है, देखना आप लोग चर्बी वाली बोटी मिल गई है इधर भी। और ये चर्बी वाली बोटी का बाइट बनाते हैं, मजेदार भाई। दस्तर साफ हो रहा था, मुझे लगा पैकअप कर रहे हैं। नहीं भाई अभी एक और दस्तर लगेगा, मतलब एक और शिफ्ट लगने वाली है। चलो जबरदस्त बिरयानी और बहुत ज्यादा स्पाइसी है, मजे की बिरयानी, मतलब हमारे लेवल की टाइप की बिरयानी, जैसे कराची की बिरयानी होती है ना वैसी है भाई। और भी आ गया यार, और भी आ गया, मतलब कहाँ से ला रहे हैं इतने लोग, अब तो ये 3000 लोग इफ्तारी और 1000 लोगों का खाना हो गया मेरे ख्याल से। तो कपड़े वालों से कपड़ा बिछा दिया, सही है कोई ड्रेस है उसको बिछा दिया, बिदारी नमाज पढ़े, नमाज भी पढ़ ली, फिर भी देखे खत्म नहीं हुई भाई, जब तक नहीं खत्म होगी मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से आज। आप दोनों बिरयानी तो खा रहे हो, सही है मुझे बताओ बिरयानी है कैसी, आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। ज़रदा ट्राई किया आपने? क्या कैसा ज़रदा? बहुत अच्छा, बेहतरीन, बहुत टेस्टी बिरयानी भाई। एक और बच्चा उसको ब्लॉग में है ना, आपका नाम क्या है? आजम खान। आजम खान ज़रदा कैसा है? बहुत टेस्टी है ज़रदा, ट्राई करके बताते हैं। ये आ गया हमारा ज़रदा, सही है, और अब इसको ट्राई करके बताते हैं कैसा है, सही है ये देखें। अच्छा ज़रदा, अच्छा भाई, मतलब भाई बेहतरीन है, बेहतरीन, क्या मीठा चावल है, जबरदस्त। तो समझा कि खत्म हो गया है, मैं जर्दा खा कर आया, लेकिन नहीं भाई अब पार्सल लेना स्टार्ट कर दिया भाई। तो आज सफाई भी होना स्टार्ट हो गई, रोड भी साफ कर रहे हैं, दस्तरखान भी साफ कर रहे हैं, चटाइयां भी साफ कर रहे हैं, तो पूरा क्लियर होगा, मैं आप लोग दिखाता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा, सारी दरियां हट जाएंगी, सब कुछ दस्तर वस्तर सब कुछ हट जाएगा। उनको मिलवाता हूँ हसन से। भाई आप ये बताएं आप कितने टाइम से ही कर रहे हैं? मैं भाई मैं ये 4 साल से कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल। अच्छा, और आपकी एज क्या है? मेरी एज 14 ईयर्स। 14, आपने इफ्तारी कर ली? मैं करूंगा अभी, पानी पिया है बस। भाई पूरा जो इधर ऑर्गेनाइज सुपरवाइज है ना वो सब बेहतरीन काम सर, थैंक यू सो मच, दुआओं की दरखास्त। आप जैसे लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, इस काम को प्रमोट करते हैं। देखिए बात सिर्फ इतनी सी, जब तक युद्ध साथ नहीं होगी ना काम मुश्किल है, युद्ध की हमें जरूरत है। युद्ध काम करेगी तो ये मुल्क चल सकता है, दोबारा से एक रोशन मुल्क युद्ध ही बनाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आपको पता है यहाँ पर कितने लोगों की इफ्तारी हो रही है? 3500 से 3000 लोग। 3500 से 3000, बेहतरीन, बहुत मुश्किल काम है, 3500 लोगों का ऑर्गेनाइज करना। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, आपके सपोर्ट। बस आप अब जाके इफ्तारी कर लें, कब से मैं आपको देख रहा हूँ वॉकी टॉकी पे, यहाँ से वहाँ लगे आप। इधर ही हटा के, सही है ये साफ कर रहे हैं, वहाँ पर लग रही है भाई झाड़ू, और झाड़ू लग के ना भाई कचरा आ रहा है इसके अंदर सारा, देख रहे हैं आप लोग, पूरा नीट और क्लीन कर देते हैं रोड को, ऐसा कर देते हैं कि मतलब इधर कुछ हुआ ही था कल, क्योंकि वापस से इधर इफ्तारी करानी होती है, फुल साफ सुथरा कर देते हैं। घर की तरफ चलते हैं, 5:30 बजे से मैं इधर आया हूँ और तकरीबन 8 बजने वाले हैं, 8:10 बजे 10 मिनट बाकी है बस। चले भाई बैठते हैं अपनी गाड़ी में, जा रहे हैं तरावी पढ़ने भाई, जा रहे हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। दूसरा यार यहाँ पर 3500, मेरे ख्याल से 4000 लोग होंगे, 4000 लोगों की मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ऊपर से उसमें पार्सल्स भी देना, और उसमें आपको पता है ना हमारे इधर तो लोग घुस ही जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। और बिरयानी ज़बरदस्त क्वालिटी की बिरयानी, बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी, ऊपर से ज़रदा, ज़रदा भी बहुत मज़े का था माशाल्लाह। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर राफे दानिश के नाम से फॉलो कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।